एग्लेफोलिया। दोस्तों एग्लेफोलिया के बारे में मैं एक बार और पहले वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पेट के लिए। भेल आपने कभी ना कभी खाई होगी, ठंडे गर्मी में ठंडक के लिए भेल की शरबत हम पीते हैं, और भेल से ही एग्लेफोलिया बनाई जाती है। इसे डॉक्टर पी विश्वास जी ने बहुत विश्वास से प्रूव किया है, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पेट के लिए। जैसे कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो गैस इसको लेने से ठीक हो जाती है। आईबीएस, जो कि आज का टॉपिक भी है, आईबीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पहले हालांकि जो पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आईबीएस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कुछ पेशेंट्स मुझे बता रहे थे ऑनलाइन कि उन्हें आईबीएस में एग्लेफोलिया से बहुत आराम लगा, तो मैंने पढ़ा। आईबीएस में इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, उसके बाद कभी कभी लूज़ मोशन होता है, पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, पेट फूल जाता है, कभी कभी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कभी कभी डकारे बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी उनका डाइजेशन ख़राब रहता है। एग्लेफोलिया लेने से डाइजेशन उनका धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाता है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये इनडाइजेशन के लिए। और अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इससे धीरे धीरे आपका इनडाइजेशन की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब इसे कैसे लें, अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लूज मोशंस हमेशा होते रहते हैं, पेट हमेशा ख़राब रहता है, तो इसे कैसे यूज़ करें। दोस्तों एग्लेफोलिया हमेशा मदर टिंचर में यूज़ करें। यहाँ पिक्चर आपको दिख ही रही है, ये विल्मर शॉबे की एग्लेफोलिया मदर टिंचर की पिक्चर है। एग्लेफोलिया मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें, तो आधा कप पानी लें, इतना बड़ा कप नहीं, छोटा सा कप लीजिएगा इतना बड़ा, और उसमें आधा कप पानी डालिए, और उसमें 20 बूंद एग्लेफोलिया मदर टिंचर डालिए, उसे आप पी लीजिए सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, और रात में एक बार। तो 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम रात, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम ठीक होगी, धीरे धीरे आपके लूज मोशंस ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और पाचन तंत्र आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो एग्लेफोलिया ज़रूर आप याद रखिएगा, और अगर वो वीडियो देखना है तो 1 घंटे बाद मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा एग्लेफोलिया का, तो ज़रूर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।